ग्वालियर शहर के जनकगंज थाने के नज़दीक लक्ष्मीगंज देशी शराब दुकान के पास नाली में एक युवक की लाश मिली है। युवक की उम्र करीब 25 साल बताई गई है। बुधवार को सुबह इस लाश के मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को आशंका है कि युवक शराब पीने का आदि रहा होगा और ज़्यादा शराब पीने के कारण वह नाली में गिर गया और फिर उठ नहीं पाया। इसी दौरान नाली में ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने युवक की लाश नाली में पड़ी देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ग्वालियर निरंजन शर्मा ने इसकी जानकारी दी। जनकगंज थाने के पास में एक व्यक्ति की जो टर्निंग के पास में नाली के पास में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया प्रकरण में जो है मर कायम किया गया है और जाँच की जा रही है। अज्ञात व्यक्ति था, उम्र करीब 24-25 साल है, उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी व एफएसएल द्वारा निरीक्षण किया गया है। मृतक की आइडेंटिफिकेशन कराया जा रहा है और ऐसा मतलब अभी जो प्रतीत होता है कि शराब पी के गिर गया होगा, शराब प्रवृत्ति का व्यक्ति लग रहा है, तो उसमें मर जाँच की जा रही। पोस्टमार्टम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बॉडी पर ऐसे कोई चोट वगैरह जैसे टाइप के कोई अलग से निशान वगैरह नहीं है जिससे कोई घटना घटित हुई।